मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले आए हैं प्रयोग संख्या सिक्स। प्रयोग संख्या सिक्स मित्रों है क्या, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से किसी द्रव जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। हमने मित्रों सभी एक्सपेरिमेंट, सभी प्रयोग संख्याओं को प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वहां पर आप जाकर एक एक तैयारी कर सकते हैं। खास बात यह है कि हमने एक 10 मिनट का वीडियो है, फिजिक्स का पूरा प्रैक्टिकल फाइल है, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। और एक चीज़ आपको करना है, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक, चलिए उद्देश्य देखते हैं मित्रों। उद्देश्य आपको कैसे लिखना होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समतल उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से किसी द्रव यानी जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। मित्रों, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की दो की सहायता से किसी द्रव जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, राइट। ये है आपका उद्देश्य। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई आपका क्या उद्देश्य था इसे लिखने के लिए, आप सीधा सीधा बताइए, हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना था, राइट। अब आगे देखते हैं, अगर आप फिगर देखना चाहते हैं मित्रों, ये रहा आपका फिगर, आप ड्रा भी कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब आवश्यक उपकरण में आपको क्या क्या लेना है, समतल दर्पण, उत्तल लेंस और क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, नुकीला व लंबा पिन, जल तथा मीटर पैमाना, राइट। ये आपको इतनी चीज़ें लेना है, बात समझ में आ रही, इतने उपकरण की आपको बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद आता है मित्रों सिद्धांत। सिद्धांत में देखिए क्या है, यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ जी जल के समावतल लेंस एक कांच के लेंस के समायोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो जल का अपवर्तनांक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब निकाला गया है, तो आप इसे पूरा लिख सकते हैं मित्रों अपने नोटबुक में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आपको पूरा सारणी बनाना है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों प्रयोग संख्या सिक्स हम लोग समझ पा रहे हैं कैसे आपको लिखना है अपनी नोट कॉपी में, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्रों गणना है, गणना में पहले यहाँ माध्यमान है, फिर माध्यमान, ये पूरा आपको लिखना है। गणना मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट होता है, गणना अगर आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कैसे जानेंगे कि आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या प्रयोग किया। हालांकि मित्रों यहाँ पे हम प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं, प्रयोग करके ये सब इस प्रकार से लिखे जाते हैं, राइट। परिमाण परिणाम में आप देख पा रहे हैं प्रयोग द्वारा जल का जो अपवर्तनांक है 1.33 होता है, ये मित्रों प्रयोग द्वारा जल का अपवर्तनांक 1.33 प्राप्त होता है, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ सावधानियाँ क्या क्या हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, और यहाँ पर देख पा उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, और परंतु इतनी इतनी अधिक भी नहीं कि उसकी दूरी स्टैंड की लंबाई से अधिक हो, जल की कुछ ही बूंदें दर्पण पर डालनी चाहिए, राइट। तो जल की कुछ ही बूंदें मित्रों क्या करना चाहिए, दर्पण पर डालना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको लेना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।